नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी ऐप से सीड बीज वगैरह मंगाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने को कैसे मिलेगा। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पपीता का पौधा है। इसे दोस्तों लगभग मैंने एक वर्ष पहले इसका जो बीज है उसको फ्लिपकार्ट के जरिए मंगाया था। तो दोस्तों, मेरे को लगभग 150 रुपये में लगभग 35 से 40 बीज मिल चुके थे, जिसका हम मैंने नर्सरी तैयार किया था। तो नर्सरी में तो जो इसका जर्मिनेशन है, सभी बीज अच्छे से जर्मिनेशन हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इसका जब मैंने पौध को लगाया तो दोस्तों किसी कारणवश मेरी गलती से जो इसका पौधा है वो मर गया। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल है, 4 पौधे ही बचे हैं। और दोस्तों, इसमें से जो एक पौधा है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है, आप देख सकते हैं। एक पौधा इधर है, एक उसके जस्ट पीछे में है, और दोस्तों दो ठो वहीं पर है। इसमें भी थोड़ा बहुत फल लगा है, लेकिन दोस्तों जो अच्छी ग्रोथ है इसी पौधे में है। इसमें लगभग दोस्तों फलों की संख्या बहुत ही अच्छी है, 15 से 20 फल अभी लगा हुआ है, लेकिन 2 से 4 फल हमने पहले ही तोड़ के खा लिए हैं। फलों की साइज़ में थोड़ा कमी है, साइज इसकी कम है। और दोस्तों, इसमें जब शुरुआत में हुआ था फूल लगने के तो फूल अपने आप ही दोस्तों स्वतः ही झड़ जा रहे थे, मुझे भी कारण नहीं पता। लेकिन एक समय के बाद दोस्तों इसमें जो फल है वो रुकने शुरू हो गया और अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ लिया। और जस्ट अभी 1 से 2 महीना ही हुआ है दोस्तों इसमें फल चालू हुए। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा पौधा, मैंने इसे परचेस किया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बीज मेरे को मिली थी। तो यदि आप भी इसको परचेस वगैरह करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको चेकआउट कर लेना, फिर आप परचेस करना होगा तो परचेस कर लेना। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो पौधे का साइज़ है अभी 5 से 5.5 फीट के ही आसपास है, उतना बड़ा भी नहीं है। और जो पत्ते हैं इनकी क्या ही ग्रोथ है, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और अभी जो फल लगने की संख्या उसमें बढ़ोतरी होती ही हो रही है, क्योंकि इसको जो ऊपरी हिस्सा है, कली है, वहाँ पर अभी भी फूल और पत्ते नए नए आ रहे हैं। मतलब ऐसा मोटी मोटा मान सकते हैं कि आप यदि इस पौधे को परचेस करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों